मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग MSME द्वारा संचालित ODOP समान सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 9 जनपदों के समान सुविधा केंद्र का शिलान्यास तथा ई सेवा पोर्टल पर योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 31,542 MSME इकाइयों को 2,505 करोड़ 58 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग MSME ने रोजगार सृजन के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। MSME विभाग ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में रिलीफ मिलते ही MSME इकाइयों के लिए ऑनलाइन ऋण मेले के आयोजन का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर आयोजित ऋण मेले की तर्ज पर ही एक महीने के अंदर सभी 75 जनपदों में भी ऋण मेले का आयोजन किया जाए। इन आयोजनों से प्रभारी मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक आदि को भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रथम चरण में भी MSME विभाग द्वारा बैंकों के साथ समन्वय करके MSME इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी मात्रा में ऋण वितरण कराया था, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित हुए। सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश होने के बावजूद राज्य में बेरोजगारी की दर सबसे कम है। राज्य सरकार ने 4 लाख से अधिक युवाओं को राजकीय सेवाओं में नियोजित किया है। MSME के माध्यम से 1.5 करोड़ रोजगार सृजित किए गए, साथ ही अन्य उपायों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की तथा उनके कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कार्यों के बारे में अवगत करवाया तथा योजना का लाभ मिलने पर मुख्यमंत्री योगी के प्रति आभार व्यक्त किया। गोरखपुर से शमशुद्दीन मोहम्मद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वर्चुअल बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को बताया कि वह साइबर कैफे का विस्तार करना चाहते हैं, जिससे उनको सरकार से 10 लाख का ऋण मिला है तथा साइबर कैफे खुलने पर 5 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिस पर मुख्यमंत्री योगी ने शमशुद्दीन के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं शमशुद्दीन ने मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी और योजना के लाभार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए योजना के लाभार्थी शमशुद्दीन तथा जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा, जो हमारे प्रदेश के प्रमुख बैंक हैं उनके प्रमुख अधिकारी आज यहाँ पे मौजूद हैं और पिछले वर्ष मैंने आपको बैंकों के माध्यम से MSMEs को प्रदेश की काफी मदद किया गया था, ऋण उपलब्ध कराया गया था। और मैं ये बताना चाहूंगा सर कि पिछले वर्ष 63,000 करोड़ रुपए के जो है पिछले वर्ष वितरण किए गए थे और बड़ी संख्या में जो प्रदेश में ये छोटी छोटी इकाइयां स्थापित करके मुरादाबाद ऑनलाइन पोर्टल भी है जो सामान्य सुविधा केंद्र में ऑनलाइन एसेंशियल एक्टिविटी ऑनलाइन कर लाभार्थी है शमशुद्दीन मोहम्मद गोरखपुर से। नमस्कार, जिलाधिकारी गोरखपुर विजेंद्र पटेल बोल रहा हूँ सर। मेरे साथ शमशुद्दीन मोहम्मद जी है सर। ये इनका सर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंदर 10 लाख रुपया प्राप्त हुई है, वो इन्हें साइबर कैफे खोलेंगे सर, आपसे बात करेंगे। क्या काम? नमस्ते सर, मैं एक छोटा सा साइबर कैफे चलाता था जिससे मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फिर मैंने जिला उद्योग विभाग गोरखपुर में संपर्क किया, वहाँ मेरी मुलाकात जिला उपायुक्त उद्योग श्री रवि कुमार शर्मा जी से हुई। उन्होंने मेरा उचित मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन करने के पश्चात उन्होंने मेरा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का लोन
साइबर कैफे एवं जन सेवा केंद्र संचालित हेतु प्राप्त कराया। सर इसके साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा मेरे साथ साथ अन्य 5 लोगों को भी रोजगार दूंगा। ठीक है, बहुत सुंदर। क्या क्या कार्य आप इससे कर पाएंगे? सर ऑनलाइन से संबंधित सभी कार्य आज सभी कार्य जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। क्या क्या कार्य आप इससे कर पाएंगे? सर ऑनलाइन से संबंधित सभी कार्य संपन्न जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए आपको और आपके पूरे परिवार को इसके लिए बधाई। एक अच्छा कार्य है कि हम लोग सरकारी नौकरी ढूंढने की बजाय अगर स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर के आगे बढ़ेंगे तो न केवल स्वयं स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगे बल्कि बहुत सारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। अच्छा, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अगर आप कार्य करेंगे तो इसके बेहतर परिणाम भी आएंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या करेंगे? किसानों को बढ़ावा देंगे, मूंगफली यहाँ बुवाई करूंगफली के लिए। आप क्या करेंगे? बहुत सुंदर। आप क्या करेंगे? और जी क्या काम शुरू करेंगे? सरसों के तेल का काम। बहुत सुंदर। तो सरसों मार्केट से खरीदेंगे जी, किसानों से खरीदिए। बहुत सुंदर। आप क्या काम शुरू करेंगे? सर अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग। बहुत सुंदर। तो ये जो सभी मंदिरों से फूल फूल जितने इकट्ठे होते हैं इसको भी इकट्ठा करवाइए ना। बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बधाई आपको। आओ जी, क्या काम आप करेंगे? सर पेपर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आओ जी, आप क्या काम करेंगे? सर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, बहुत सुंदर। बधाई। आप क्या काम प्रारंभ करने जा रहे हैं? सर डिजिटल पेंटिंग। बहुत सुंदर। बधाई। इन लोगों को काम भी दिया करो भाई। सबसे पहले तो यहाँ सभी लोगों का अभिनंदन मैं करती हूँ और श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस लाभ इस योजना के तहत हमें ये अवसर महिलाओं के लिए दिया गया और इसी तरह आगे हम लोगों को एक समाज में जो भी मुकाम दिया जाता है उसके लिए बहुत बहुत हम आगे बढ़े और एकदम आप लोग मेहनत करिए सरकार आप लोगों के साथ में। ठीक है ना? आप काम करेंगे? आइए, आप क्या करेंगे? अच्छा, सिलाई का ही काम करेंगे? बहुत सुंदर। इसको ले लो भैया, कोई काम करेंगे। और आगे राहुल हाँ जी, आप कर रहे हैं? कहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ पे अच्छी डिजाइनिंग कर लेते हैं ना। बहुत सुंदर। बताए बहुत सुंदर। आओ जी, यहाँ काम कर रहे हैं? कहाँ काम कर रहे हैं? बालागंज में रहता हूँ, शॉप पे काम कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। अभी तक थोड़ा सा हमने बीजेपी का आपसे थोड़ी प्रार्थना की, थोड़ा सा इधर आ जाए आप लोग। इधर आ जाए, कुछ लोग इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए। आ गए? आए बैंक बैंक का कमेटी आ जाए। चमक रहा है ना? बधाई।
अच्छा है, मेहनत से काम करिए, सब ठीक होगा। ठीक है, ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कि आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री संजीव मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों में आज की इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने वाले हमारे लाभार्थीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले विभाग को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कोरोना महामारी के दूसरे लहर में जैसे ही पब्लिक को रिलीफ मिली है, लोन मेला का आयोजन स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ आयोजित करते हुए प्रदेश के 31,000 से अधिक यूनिट को आज 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। हम सब जानते हैं मार्च 2020 में कोरोना महामारी ने देश के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए अपना कहीं ना कहीं स्वरूप दिखाना प्रारंभ किया था और उसके उपरांत कोरोना से बचाव के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हुए। समय से लिए गए निर्णय के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर किसी भी अन्य देश की तुलना में ज्यादा सुरक्षित स्थिति में रहा। लेकिन एक महामारी है, उस महामारी के सामने संसाधन कम पड़ जाते हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं तंग हो जाती हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने पस्त हो गईं, लेकिन पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। और जब हम लोग पहली लहर के दौरान लॉकडाउन में थे, तब देश के अंदर अलग अलग तबके के लिए अलग अलग प्रकार की घोषणाएं प्रधानमंत्री जी ने की थी, चाहे वह गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत गरीबों को दिए जाने वाले अन्न की योजना का लाभ हो, चाहे वह जनधन अकाउंट धारी लोगों के खाते में पैसे देने की बात रही हो, दिव्यांगजन, निराश्रित महिला, इन सभी को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने का रहा हो, या फिर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत भी सभी प्रकार के एमएसएमई यूनिट को बैंकों से आसान किस्त पर लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम हुए और विगत वर्ष बहुत सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़े थे। कोरोना से जैसे ही राहत मिली, मार्केट ने फिर से अपनी गति पकड़नी शुरू कर दी थी और बहुत बेहतर स्थिति की तरफ हम जा रहे थे। लेकिन हमने इस बात को देखा होगा पिछले उस समय से, मार्च के अंत से लेकर के 2021 में फिर से कोरोना ने अपना रूप दिखाना प्रारंभ किया और देश के विभिन्न राज्यों में इस महामारी का कहर एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने अप्रैल प्रथम सप्ताह से ही कोरोना से बचाव के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने
इस पूरे अभियान के दौरान सरकार के द्वारा, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद बहुत सारे लोग थे जो कोरोना की चपेट में आए। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को, स्वजनों को खोया है। उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। हमें मानना पड़ेगा ये महामारी है और इस महामारी को हल्केपन से न लेकर के इसके लिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर भरपूर सहयोग राज्य सरकारों को किया है, चाहे वह दवा का हो, चाहे वह वेंटिलेटर्स का हो, चाहे वह टेस्टिंग का हो और चाहे आज वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का। हम सब जान रहे हैं कि 16 जनवरी से भारत ने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया था। पहली बार हो रहा है जब किसी महामारी के खिलाफ इतनी जल्दी वैक्सीन बना, मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन मार्केट में आ गया। 16 जनवरी से भारत के अंदर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हुआ पहले चरण में। कल्पना करिए, अगर 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का ड्राइव देश के अंदर प्रारंभ नहीं होता तो ये सेकेंड वेव का मुकाबला हमारे हेल्थ वर्कर्स कैसे करते, चिकित्सक कैसे करते? थोड़ा कल्पना करिए, प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता थी कि समय से हेल्थ वर्कर्स को और कोरोना वॉरियर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन प्रदान कर दी गई, जिससे सफलतापूर्वक सेकेंड वेव जितनी तीव्र थी, जितनी संक्रामकता उसमें थी, उसका उतनी मजबूती के साथ सामना करने में हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने उतनी मजबूती से उसको फेस भी किया। अपनी जान की परवाह न करते हुए प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया। लेकिन उस सब के बावजूद भी बहुत सारे परिवार के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने निकट संबंधियों को खोया है। एक दुखद स्थिति हम सब के लिए थी। सेकेंड वेव के दौरान हम लोगों ने भी देखा कि स्वतः स्फूर्त भाव के साथ बंदी की कार्यक्रम को हमारे व्यापारिक संगठनों ने आगे बढ़ाया। उसके लिए हमें लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने सामान्य कोरोना कर्फ्यू लगाया। आवश्यक वस्तुओं की किसी प्रकार की किल्लत न होने पाए, सामान्य नागरिक के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा न हो, बड़े उद्योग हो या फिर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, इनको बंद करने की नौबत न आने पाए, सप्लाई चेन कहीं ना टूटने पाए, इन सभी पे एक प्रयास किया गया और उत्तर प्रदेश का यह मॉडल बहुत सफल रहा। हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, लगभग 1 महीने तक हम लोगों ने कोरोना कर्फ्यू लगाया। कोरोना कर्फ्यू में उद्योग हमारे चलते रहे, खेती बाड़ी का काम चलता रहा, आवश्यक सेवाएं चलती रही, इमरजेंसी सेवाएं चलती रही और कोरोना के संक्रमण की चेन को भी हर एक स्तर पर ब्रेक करने के लिए सरकार के द्वारा जो कार्य योजना तैयार की गई थी उसका परिणाम बहुत सफलतापूर्वक हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती थी, लोग कहते थे 1.5 लाख कोरोना पॉजिटिव केस प्रतिदिन यूपी में आएंगे, हमने उसे 38,000 पर रोक दिया। लोग कहते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, दुनिया के विशेषज्ञ कहते थे, कोरोना के मामले मई के अंत तक पहुंचते 30 से 50 लाख तक पहुंच सकती संख्या, हमने उसको 3,10,000 तक सीमित रखा, उससे आगे नहीं बढ़ने दिया। व्यापक पैमाने पे अभियान चलाए गए, मैं स्वयं, मंत्रीगण, अधिकारीगण फील्ड में रहे, दौरे किए, कैंप किए और आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आज का परिणाम है कोरोना का बताऊं तो मात्र 208 पॉजिटिव केस आए हैं, 3,600 एक्टिव केस मात्र रह गए हैं। लेकिन अभी भी हमें सावधानी बरतनी है, सतर्कता बराबर बनाई रखनी है। जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है तब तक
हम टेस्टिंग से भी नहीं भागेंगे और तब तक वैक्सीनेशन के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रोत्साहित भी करेंगे। यह वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है, हमें बताना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ जीवन के साथ साथ जीविका भी बचे इसकी भी चिंता करनी है। तो जीवन को बचाने के लिए और जीविका को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान प्रारंभ हुआ, जीवन को बचाने के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा माध्यम है और जीविका को बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो पैकेज घोषित हुआ था वह सबसे बड़ा सहारा है। इन दोनों को मिलाकर के जब हम कार्य करेंगे तो उसके परिणाम बेहतर आएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विभिन्न योजनाओं को लेकर के जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान हो, एक जनपद एक योजना की योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, ये अनेक योजनाएं एक साथ लागू हो रही हैं आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब अलग अलग क्षेत्र में हमारे पढ़े लिखे युवा आज नौकरी के पीछे भागने की बजाय स्वतः रोजगार में विश्वास कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब केवल रोजगार सृजन का काम केवल पुरुष नहीं करेगा, उद्योग केवल पुरुष नहीं चलाएगा, बल्कि हमारी आधी आबादी जैसे हमने मिशन शक्ति के साथ जोड़ा है वह भी किसी से कम नहीं, इस विश्वास के साथ आगे बढ़कर के कार्य कर रही है। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करेंगे, न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि ढेर सारे अन्य लोगों को भी रोजगार के साथ जोड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश तो इसका केंद्र बिंदु रहा है। हमारे यहां देखेंगे आप अलग अलग जगह पर जो हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया इस कार्य के साथ, अगर देखेंगे इसकी शुरुआत हमारी माताएं बहनें ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही हैं। चिकन कारीगरी का अगर काम लखनऊ में देखेंगे कौन इसको देखता है, ये सब माताएं बहनें देखती हैं। ऐसे ही बहुत सारा कार्य, ये चीजें आज मुझे देखने को मिली हैं कि जब हम 31,000 से अधिक यूनिट को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का लोन वितरित कर रहे हैं, इसमें हर तबके का व्यक्ति आ रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जैसे स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने यहां पर रुचि लेकर के इतनी जल्दी, अभी देश के अंदर और दुनिया के अंदर कोरोना के सेकंड वेव से ही लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाई, यूपी में मुक्ति देने के कगार पर हम खड़े हैं। हमारे एक जनपद हमारा ऐसा भी है जो कोरोना से मुक्त हो चुका है। हमारे 52 जनपद ऐसे हैं जहां केवल सिंगल डिजिट में कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। 12 जनपद ऐसे हैं जहां आज एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। केवल 2 जनपद ऐसे हैं जिनमें मात्र दहाई में डबल डिजिट में कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं। यानी कोरोना के खात्मे की ओर बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश अब अपने लोगों की चिंता कर रहा है, उनकी आजीविका की भी चिंता कर रहा है। और केवल उनकी आजीविका की नहीं बल्कि उनके माध्यम से ढेर सारे युवाओं को रोजगार देने का। एमएसएमई यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया यूपी के अंदर, हमारे उद्योगों ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, मैं भारत सरकार के कुछ डाटा को देख रहा था, देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य और सबसे युवा हमारे पास, लेकिन बेरोजगारी की दर सबसे कम उत्तर प्रदेश के अंदर। कारण है सरकार ने पूरी पारदर्शी तरीके से अपने युवाओं को नौकरी दी, 4 लाख युवाओं को हम नौकरी दिए हैं। प्रदेश ने पूरी मजबूती के साथ एमएसएमई यूनिट के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर अन्य तमाम उपायों से स्वतः रोजगार के भी ढेर सारे अवसर उपलब्ध हुए हैं। अगर हम सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो हम जीवन और जीविका, यानी कोरोना
से जूझते हुए, इसका मुकाबला करते हुए जीवन और जीविका को बचाने के इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री जी की यही मंशा है। मैं स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि विगत वर्ष भी इन्होंने बहुत बड़े कार्य किए थे। मुझे भय था कि फर्स्ट वेव के समय प्रदेश के अंदर 40 लाख माइग्रेंट लेबर आए थे, और मुझे भय था कि ये लोग वापस जाएंगे, फिर वापस जैसे उन राज्यों में कोरोना आएगा ये लोग फिर वापस आएंगे। केवल 10% जो हमारी प्रवासी कामगार थे ये वापस गए थे, और वे लोग भी मार्च में वापस आ गए थे। उन लोगों ने यूपी के अंदर ही काम ढूंढा, यूपी के अंदर ही उनको कार्य मिला, और कार्य का सबसे बड़ा आधार यूपी कृषि प्रधान तो पहले से ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी एमएसएमई यूनिट को जो सुविधाएं दी गई, या यहां पर जो हमारा युवा, हमारी माताएं बहनें इस क्षेत्र में आगे आई, आज उसका परिणाम है कि ज्यादातर युवा अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को दे रहा है, और उत्तर प्रदेश आज आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस अभियान के साथ निरंतर जुड़ करके आगे बढ़ा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर सभी जनपद स्तर पर भी मैं इस बारे में कहूंगा, हमारा जिला प्रशासन जिला उद्योग के साथ मिलकर के हमें वहां पे एमएसएमई यूनिट के साथ बैठना चाहिए, वहां मैपिंग करनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ हमारी निरंतर बैठक हो, और हम उनके साथ बैठक करके इस बात को सुनिश्चित करें कि ऋण प्रदान करने की जो हमारा शेड्यूल रेशियो है इसके अनुसार हम हरेक जनपद के लक्ष्य को तय करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। देखिए, पैसा बैंक में रखे जाने से वह बढ़ेगा नहीं, ये जब सर्कुलेशन में आएगा, मार्केट में आएगा, पूंजी ही पूंजी को बढ़ाएगी, और मुझे लगता है हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा, इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। जैसे स्टेट स्तर पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है, जनपद स्तर पर भी इस प्रकार के लोन मेलों के कार्यक्रम हो, माननीय सांसद माननीय विधायकों को उस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए, प्रभारी मंत्रियों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए। हमारा प्रयास होना चाहिए 75 जनपद हैं तो कम से कम 75 लोन मेले अगले एक महीने के अंदर प्रदेश के अंदर आयोजित हों, और वहां पर हम उन लोगों को जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, बहुत कुछ है, बहुत पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश में, केवल उसको एक मंच दे देना है, एक प्लेटफॉर्म दे देना है, उस प्लेटफॉर्म को देने के लिए आप सभी आगे आएंगे मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर से विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त श्री मित्तल जी को, अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल जी को, और बैंकर्स कमेटी से जुड़े हुए अपने सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने सेकेंड वेव के बाद एक बड़ी राहत देते हुए इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अधिक से अधिक हमारे जो एमएसएमई यूनिट हैं इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। जिन लोगों को आज इस सुविधा का लाभ मिल रहा है उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनका यह कार्य सफलतापूर्वक उन्हें एक नई ऊंचाइयां इस व्यवसाय के क्षेत्र में प्रदान करेगा। आप सबके प्रति मेरी बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। विस्तार कर लो, आपका नेटवर्किंग क्या लिया बधाई आपको ढेर सारी, अच्छा करिए, आगे भी कोई सहयोग चाहिए तो बता दीजिए, हम मिलते हैं आपके साथ। अच्छा सर, सुद्दीन मोहम्मद काम कराने वाले राजेंद्र नगर पश्चिमी गोरखपुर। किस योजना के तहत आपको लोन मिला? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत मुझे 10 लाख रुपए का लोन साइबर कैफे एवं जन सेवा केंद्र संचालित हेतु मिला। कुछ पैसे का क्या आपके साथ?
पैसे में 7 लाख की TL, 3 लाख की CC है। 7 लाख रुपये TL में हमने अपने कंप्यूटर प्रिंटर दुकान की मेंटेनेंस इत्यादि हर चल सब है। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से ये आत्मनिर्भर भारत के लिए आश्वासन दिया सरकार के लिए बहुत धन्यवाद सर। देखिए यहाँ आज 3 कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी माध्यम से प्रारंभ की गई है। एक तो मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, उसी के अंदर करीब 200 लाभार्थी का लोन का फायदा मिला है। फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, उनसे वार्तालाप भी किए थे, 10 लाख 15 लाख उसी देखकर लोन का जो बैंकर्स का माध्यम से लोन मेला के माध्यम से मिला है उस पर 200-300 करीब लाभार्थी है। उसके अलावा विश्वकर्मा सम्मान टूल किट हम लोग ODOP जो करने वाले और बाकी जो हम रजिस्टर्ड जो कितने लोग हैं उन्हीं लोग का हम लोग बांटे हैं। अभी फिलहाल मौके पे हम लोग 50 लोग को बांटे थे, फिर बाकी लोग जो कितने लोग हैं वो सभी को इसी महीने तक बांटेंगे। और इसी टाइप का पूरा प्रदेश में हर जनपद में ये योजना जारी है और इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से यहाँ से भी वार्ता किए थे, बात भी किए थे, फिर बहुत प्रसन्न हुए थे। और यहाँ का जो केवल अपने रोजगार का नहीं है, जो जितने लोग लोन प्राप्त किए हैं और बाकी काम शुरू किए उन लोग अपने नीचे कम से कम 5 नहीं तो 10 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। एक तरफ से रोजगार सृजन के भी एक कल्याणकारी योजना आज प्रारंभ हुआ है, उसी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज किया। सर गोरखपुर जी का गोरखपुर हाँ गोरखपुर में यहाँ जो शमसुद्दीन जी है उनसे वार्ता भी किए थे मुख्यमंत्री जी ने, उनका 10 लाख रुपया इसके लिए साइबर कैफे खोलने के लिए बैंक के माध्यम से मिला है। उसके अलावा तो ODOP के अंदर गारमेंट बिजनेस का 4-5 लोग का 10-10 लाख रुपया का मिला है। फिर खादी ग्रामोद्योग विभाग माध्यम से आटा चक्की चलाने के लिए और छोटी छोटी उद्योग के लिए भी तो करीब 50 लोग का मिला है। सब मिला करके मान सकते 500 लोग के लिए आज तो उनका फायदा मिला।